बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। दरअसल केदारनाथ के पास बर्फ का पहाड़ खिसका है, मंदिर के पास पहाड़ खिसकने की खबर है। केदारनाथ धाम को नुकसान नहीं हुआ है, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। ये बड़ी खबर आपको दे दे, केदारनाथ के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां मंदिर के पास बर्फ का पहाड़ खिसका है। हालांकि केदारनाथ धाम को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास ये हादसा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के पास बर्फ का पहाड़ खिसका है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का। प्रियंका, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? और जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि आज सुबह ये हिमस्खलन वहां पर हुआ, ये एवलांच वहां पर आया है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि मंदिर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो ये दूसरा बड़ा एवलांच है जो हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं। हालांकि पिछली बार की भी एवलांच की अगर बात करें तो किसी तरीके की कोई नुकसान की खबर नहीं थी, यही अभी भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उसका असर प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। हालांकि खबर यही है कि ये हिमालय क्षेत्र में हुआ था और ऐसे में केदारनाथ के पीछे की तरफ हुआ था, लेकिन केदारनाथ मंदिर में फिलहाल इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में जो श्रद्धालु वहां आ रहे हैं उन पर भी किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। जी प्रियंका, क्या आधिकारिक रूप से अभी इसको लेकर कोई बयान जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उनकी तरफ से ही ये जानकारी दी गई है फिलहाल के तौर पे कि ये स्खलन हुआ था, ये एवलांच वहां पर आया था और मंदिर को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, ये मंदिर समिति की तरफ से बताया गया है। अभी सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस पर क्या है वो अभी आना बाकी है। जी प्रियंका, तो देखिए मंदिर के पास बर्फ का पहाड़ खिसका है, ये बड़ी जानकारी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।